नमस्कार, मैं दीति फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे वेगन डाइट के बारे में। फिट रहने के लिए कई लोग तरह तरह की डाइट अपनाते हैं, इन्हीं में से एक है वेगन डाइट। वेगन डाइट इसे कई लोग वेजिटेरियन डाइट से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका कॉन्सेप्ट इससे काफी अलग है। अगर आप भी इसे अपनाने का मन बना रहे हैं तो आइए बताते हैं आपको इसके फायदे और नुकसानों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वेगन डाइट होता क्या है। वेगन डाइट ऐसी प्रकार की डाइट है जिसमें पशु या उसके माध्यम से बने गए प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया जाता है। जी हाँ, अगर आप इसे अब तक वेजिटेरियन डाइट का एक रूप मानते आ रहे हैं तो जान लीजिए कि इसे वेजिटेरियन डाइट नहीं कहते हैं, इसे बेसिकली प्लांट बेस्ड डाइट कहा जाता है। इसमें तमाम डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, मक्खन, पनीर, शहद, अंडा, मांस आदि नहीं खाया जाता है। आसान शब्दों में इसे समझने की कोशिश करें तो ये बेहद ही अच्छी डाइट होती है। वेगन लोग ना सिर्फ अपनी डाइट बल्कि उनसे बने हुए सारे प्रोडक्ट्स को भी यूज नहीं करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि वेगन डाइट में सिर्फ फल, सब्जी, अनाज आदि शामिल किए जाते हैं। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप पशु से प्राप्त होने वाली सारी चीजों को ना यूज कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको अपने दूध के प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो इसमें सोयाबीन या बादाम का दूध का सेवन कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं, घी के विकल्प के तौर पर आप ऑलिव ऑयल, सरसों या तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेगन डाइट क्यों फायदेमंद होती है। इस डाइट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, इससे बीमारियां भी कम होती है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि डाइट हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर बनाए रखने के लिए मददगार होती है। इस डाइट में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करती है। वेगन डाइट अपनाने में आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि को भी कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। चलिए अब जानते हैं इसके नुकसानों के बारे में। अगर आप अपने आहार में पशु से प्राप्त सभी चीजों को हटा देते हैं तो ऐसे में शरीर के कई पौष्टिक तत्वों में कमी आ सकती है। शरीर में पर्याप्त पौष्टिक तत्वों को बनाए रखने के लिए कई ऑप्शंस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो ज्यादातर पशुओं से प्राप्त होते हैं। आपके ऊपर है कि आपको किस तरह की डाइट को अपनाना है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ।